यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू मटर टमाटर की मजेदार सब्जी की आसान सी रेसिपी, जो बहुत ही सादा मसालों के साथ बनेगी पर टेस्ट में हलवाई वाली सब्जी को भी मात देगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाली सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आप तक रेगुलरली पहुँचती रहे। तो चलो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी लेकर इसमें डालो थोड़ी हींग, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत ही शानदार आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसालों को फेंट कर एक स्मूथ और पतला पेस्ट तैयार कर लो। ऐसा करने के बाद इन मसालों को एक साइड रख दो, जिससे ये अच्छे से फूल जाएं। अब रखो एक कढ़ाई और चूल्हा ऑन करके इसमें डालो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और इसको अच्छी तरह धुआं निकल जाने तक पका लो। वैसे तो इस सब्जी को प्रेशर कुकर में भी बनाया जाता है, पर आप एक बार इस तरह से कढ़ाई में भी बनाकर ट्राई करो, आपको इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा। अब तेल हमारा हो चुका है गरम, तो इसमें डालो जीरा। फिर मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यदि आप इस सब्जी में लहसुन भी डालना चाहते हो तो 6-7 लहसुन की कलियां बारीक काट कर प्याज के साथ ही डाल लो और भून लो। अब हमें प्याज को एकदम बढ़िया तरीके से लाइट ब्राउन हो जाने तक पकाना है। अच्छा, किसी भी सब्जी को एकदम परफेक्ट टेस्ट और टेक्सचर देने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है प्याज टमाटर की और सभी मसालों की भुनाई मीडियम हीट पर आराम से और पेशेंस के साथ धीरे धीरे करी जाए। तो अब देखो प्याज हमारी भुन चुकी है। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना घिसा हुआ अदरक। आप इसकी जगह पर अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। अब इसको भी 1 मिनट के लिए भून लो और देखो इनसे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें जो मसालों का हमने पेस्ट बनाया था उसे भी डाल दो और थोड़ा सा पानी इसी कटोरी में डालकर बचा हुआ पेस्ट भी निकाल लो। इस तरह से मसालों का पेस्ट बनाकर डालने से सब्जी का टेस्ट डबल और ट्रिपल हो जाता है। और फिर हमें इनको भी ऑयल सेपरेट हो जाने तक चलाते रहना है और भूनते रहना है। अब करीब 3 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद इनसे ऑयल निकल लगा है, तो इस स्टेज पर डालने हैं टमाटर। मैंने 3 मीडियम साइज के लाल टमाटर चॉपर में फाइनली चॉप करके लिए हैं। आप चाहो तो इनकी प्यूरी भी बनाकर डाल सकते हो। अब इनको एक बार मसालों के साथ मिक्स कर लो। फिर डालना है नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी और आसानी से पक जाएं। तो जितना नमक आपको डालना है उससे थोड़ा कम ही डालें और इसे अब अच्छी तरह से मिला लो। अब टमाटरों को भी बहुत बढ़िया तरह से भूनना है, क्योंकि खासकर टमाटरों को प्रॉपरली कुक होना बहुत जरूरी है। तो इधर हमें इनको भूनते हुए करीब 4 मिनट हो गए हैं और आप देखो इनके ऊपर की तरफ ऑयल सेपरेट होकर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब अब हमारे मसाले अब अच्छे से भुन चुके हैं। अब बारी है सब्जी डालने की। तो मैंने ये लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, जिनको छीलकर और वॉश करके इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस सब्जी के लिए ज्यादा बारीक आलू आप ना काटें। तो इनको भी हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये एक कटोरी ताजा मटर है, जिनको पहले ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब इन सभी को भी एक साथ मिक्स करके मसालों में मिला लो। फिर डालना है पानी और इसको भी मिलाकर सब्जी की कंसिस्टेंसी चेक कर लो। आपको जितनी गाढ़ी सब्जी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा पानी डालना है और सब्जी में एक बॉयल आने देना है। जैसे ही सब्जी उबलना स्टार्ट हो जाए इसे कवर करके लगभग 15-17 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकाना है। हाँ, हर 5 मिनट में सब्जी को चलाते भी रहना है और फिर से इसको ढककर पकाना है। देखो सब्जी में कितना सुंदर कलर आ रहा है और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। बस अब 2 मिनट और पकाना है। करीब 15 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को पकते हुए और ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो ये आलू कितना इजीली कट रहा है और मैश भी हो रहा है। अब डालनी है थोड़ी सी और चीजें, जैसे काला नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी और फ्रेश हरा धनिया, और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और तैयार है हमारी बहुत ही शानदार आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। और यार आप एक बार इस तरीके से ये सब्जी बनाकर तो देखो, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा इसी तरह से बनाओगे और घर वाले भी आपकी सब्जी की बहुत तारीफें करेंगे।
क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना लाजवाब है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे, नान या चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। तो अब आप भी बनाओ, खाओ और एंजॉय करो। अब यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।